कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए रेप और मर्डर मामले का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश भर में इस मामले में न्याय और डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को शिमला में आईजीएमसी अस्पताल से छात्र रेजिडेंट डॉक्टरों और शिक्षक डॉक्टरों ने प्रदेश सचिवालय शिमला तक मार्च निकाला। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी इन डॉक्टरों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान डॉक्टरों ने अस्पतालों में सुरक्षा बढ़ाने और चिकित्सकों के विभिन्न मुद्दों पर अपनी समस्याएं सीएम के सामने रखी। सीएम ने भी सभी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया। हमारे सीएम साहब से जो चर्चा हुई है, ये जो दुखद घटना हुई कोलकाता में जिसमें ये मर्डर रेप हुआ, उसके लिए हमारे रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन बेसिकली प्रोटेस्ट कर रहा था, स्ट्राइक पे भी था, और हम एज अ सैंडिकॉट स्टेट एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एंड डेंटल टीचर्स के हम उनको सपोर्ट कर रहे थे। और हमारे जो स्टूडेंट बॉडीज थी, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर, दे वर आल्सो सपोर्टिंग। तो हम चाहते थे कि, और आप भी चाहते हैं, और सभी, क्योंकि सबकी कोई सिस्टर है, कोई माँ है, कोई बहन है, एंड नॉट ओनली डॉक्टर्स, जो सिस्टर्स हैं, क्लास फोर हैं, कोई भी हेल्थ केयर वर्कर है, एनीबडी, जो भी लेडी है या जेंट्स हैं, उसको एक सिक्योरिटी का माहौल मिले। बिकॉज ये सिक्योरिटी के माहौल से आपकी फंक्शनिंग बेटर हो जाती है, आपकी मनस्थिति बेटर रहती है। तो ये सिक्योरिटी के लिए ये बेसिकली रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन 9-10 दिन से ये स्ट्राइक पे हैं, और सैम्पटिकॉट उनको सपोर्ट कर रही है इन द फॉर्म ऑफ हम ओपीडीज और रूटीन नोटिस नहीं चला रहे थे। वहीं ट्रेनी डॉक्टर अभिषेक शर्मा ने कहा कि कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ हुआ अपराध भयानक है। जब तक मामले में न्याय नहीं मिल जाता और केंद्रीय हेल्थ प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होता, तब तक यूं ही प्रोटेस्ट चलता जाएगा। क्रमवार कुछ ओपीडी बंद रहेंगी, वहीं इमरजेंसी में सुविधा यूं ही सुचारू रहेगी। लेकिन 9 अगस्त को जो दुर्दांत अपराध आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुआ, वो बहुत ही निंदनीय है, ना केवल हमारी मेडिकल फेटर्निटी के लिए, लेकिन पूरे समाज के लिए, क्योंकि वो केवल एक डॉक्टर ही नहीं थी, वो एक लड़की भी थी। इसके लिए पूरे देश भर में हम पूरे जो डॉक्टरों की एसोसिएशन हैं, वो प्रोटेस्ट वगैरह कर रही हैं। लेकिन हमें दुख इस बात का है कि, लेकिन जो बाकी संगठन है समाज के, वो उतना बढ़ चढ़ कर आगे नहीं आ रहे हैं। तो हमारी उनसे भी ये गुजारिश है कि वो भी आगे आएँ, और हम नहीं चाहते कि ये जो घटना घटी है, ये कल को हमारे ही मेडिकल कॉलेज के किसी अस्पताल में दोबारा घटित हो। तो इसके लिए हमारी सरकार से एक मांग थी कि हमें जो सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह हैं वो प्रोवाइड किए जाएं, और पूरे बाकी जो देशभर में हमारा CPA का मुद्दा है कि वो CPA दिया जाए, और जो बहन के साथ अपराध हुआ है उसको न्याय दिया जाए। कोलकाता में मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी और हत्या से पूरा देश सदमे में है। न्याय की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से अली की रिपोर्ट।